1994 की वो रात जिसने लॉस एंजलिस के लोगों को डरा कर रख दिया था, ये किस्सा इतना दिलचस्प है कि आपको भी थोड़ी सी हंसी आ जाएगी। दरअसल उस रात हुआ ये था कि 1994 की आधी रात को लॉस एंजलिस में 6.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिससे डरकर लोग आधी रात के वक्त अपने घरों से बाहर निकल आए। अब इस भूकंप की वजह से पूरे लॉस एंजलिस की इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से ठप पड़ गई, जिस वजह से लॉस एंजलिस में चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। ऐसे में लोगों ने आसमान की तरफ देखा, जहां आसमान एकदम साफ हो रखा था और आसमान में सभी टिमटिमाते तारे, आकाश गंगाओं के गुच्छे, इवन सैटेलाइट भी चमकते साफ दिखाई दे रहे थे। अब आमतौर पर ऐसे नजारे को इंसान बस मदहोशी में देखता ही जाता है, बट इस नजारे को देखकर लॉस एंजलिस के ज्यादातर लोग घबरा गए, और इतने ज्यादा कि लोगों ने 911 डायल करके पुलिस को यह बताया कि उन्हें आसमान में बहुत सारी चीजें चमकती नजर आ रही है, और ये कंप्लेंट लॉस एंजलिस की हर जगह से आ रही थी। अब एक्चुअल में लॉस एंजलिस रात के वक्त ज्यादा समय आर्टिफिशियल लाइट से घिरा रहता है, जिसे हम लाइट पॉल्यूशन भी कहते हैं, जिस वजह से लोगों ने काफी लंबे समय से खुले आसमान को कभी नहीं देखा था, और यही कारण था कि उस रात लॉस एंजलिस के ज्यादातर लोग खुले आसमान को देखकर डर गए। इसीलिए प्रदूषण चाहे हवा का हो, आवाज का हो या फिर रोशनी का हो, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को हानि पहुंचाता ही है। थाना कमाल का इंसिडेंट। वेल भाई, आप ये बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।